नमस्कार, आप सभी का इलाइट ग्लोबल न्यूज यूके में स्वागत है। शुरुआत करते हैं वैश्विक टॉप सुर्खियों के साथ। चीन के ग्वांजाओ में दमनकारी कोविड लॉकडाउन पर निवासियों का विद्रोह। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो और छवियों के अनुसार चीन के दक्षिणी विनिर्माण केंद्र ग्वांजाओ में लॉकडाउन के तहत निवासियों ने सख्ती से लागू स्थानीय आदेशों की अवज्ञा में सड़कों पर उतरकर अपने घरों तक सीमित करने के लिए बनाई गई बाधाओं को तोड़ दिया। वैश्विक आबादी 8 अरब तक पहुंच गई, क्योंकि विकास ग्रह के लिए अधिक से अधिक चुनौतियां खड़ी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के एक बयान में कहा कि इस आंकड़े का मतलब है कि केवल 12 साल में वैश्विक आबादी में 1 अरब लोग जुड़े हैं। दुर्लभ नीलामी में मोंड्रियन पेंटिंग रिकॉर्ड $51 मिलियन में बिकी। पीट मोंड्रियन की प्रतिष्ठित अमूर्त पेंटिंग सोमवार को सोथबी के न्यूयॉर्क में $51 मिलियन में बिकी, जिसने डच कलाकार के काम के लिए नया नीलामी रिकॉर्ड स्थापित किया। फॉरेन बुफे की कंपनी ने ताइवान की चिप दिग्गज कंपनी TSMC में $4 बिलियन की हिस्सेदारी खरीदी। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के शेयरों में मंगलवार को वॉरेन बुफे के बर्कशायर हाथवे ने खुलासा किया कि उसने दुनिया के सबसे बड़े चिप निर्माताओं में से एक में $4.1 बिलियन की हिस्सेदारी खरीदी है। बर्कशायर हाथवे ने कहा कि उसने सितंबर को समाप्त 3 महीनों में TSMC के लगभग 60 मिलियन अमेरिकी डिपॉजिटरी शेयरों का अधिग्रहण किया। जर्मनी ने नॉर्थ सी पोर्ट पर अपने फ्लोटिंग LNG टर्मिनल का निर्माण पूरा किया। अमेरिकी नौसेना ने ईरान से यमन को भेजी जाने वाली 70 टन मिसाइल ईंधन जब्त किया। नौसेना ने कहा कि खोजे गए अमोनियम परफ्लोरेट की मात्रा 1 दर्जन से अधिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को ईंधन दे सकती है। लेबनान इसराइल सौदे के बाद टोटल कंपनी समुद्र अन्वेषण शुरू करेगी। बेरूत, फ्रांस की तेल कंपनी टोटल ने मंगलवार को कहा कि वह पिछले महीने लेबनान इसराइल के समुद्री सीमा पर हुए सौदे के बाद लेबनान के तट से दूर भूमध्य सागर में गैस की खोज के लिए जल्द ही अन्वेषण गतिविधियां शुरू करेगी। पाकिस्तानी PM अस्वस्थ, तीसरी बार कोविड के लिए सकारात्मक परीक्षण। देश के सूचना मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया और लंदन से लौटने के एक दिन बाद मंगलवार को अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। अमेरिका, यूरोपीय देशों और जापान ने इंडोनेशिया के साथ $20 अरब के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए ताकि वह स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ सके। इंडोनेशिया ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं और प्रमुख देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो देश को अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने और कोयले पर निर्भरता कम करने में मदद करने के लिए अरबों डॉलर की फंडिंग लगाएगी। इथोपिया, पश्चिमी टाइग्रे की स्थिति कानून द्वारा तय की जाएगी। अदीस अबाबा, इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने मंगलवार को कहा कि संकटग्रस्त टाइग्रे क्षेत्र के पश्चिमी हिस्से में विवादित क्षेत्र की भविष्य की स्थिति इस महीने की शुरुआत में एक युद्ध विराम पर हस्ताक्षर के बाद देश के संविधान के अनुसार तय की जाएगी। मालदीव ने कथित तौर पर इस्लामिक स्टेट से जुड़े बम की साजिश के लिए 14 लोगों को गिरफ्तार किया। माले, मालदीव पुलिस ने 14 लोगों को कथित तौर पर विदेशी इस्लामिक चरमपंथियों के साथ काम करते हुए छोटे द्वीप समूह राज्य में बमबारी करने के लिए गिरफ्तार किया। 2 हफ्ते पहले बाढ़ में डूबे ऑस्ट्रेलियाई शहर पर फिर से पानी का खतरा। सिडनी, ऑस्ट्रेलियाई शहर फोर्ब्स में लगभग 1000 लोगों को बाढ़ से पहले मंगलवार को अपने घरों को खाली करने के लिए कहा गया था, जबकि केंद्रीय न्यू साउथ वेल्स राज्य का अधिकांश हिस्सा हाई अलर्ट पर था। जापान समुद्री खदानों को बिछाने और हटाने के लिए पानी के नीचे ड्रोन विकसित करेगा। रूस ने जापान को सखालिन एक तेल और गैस परियोजना में हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति दी। व्यापार मंत्रालय ने कहा कि मॉस्को ने एक नई रूसी कंपनी में जापानी सार्वजनिक निजी कंपनी
सखालिन ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी को 30% शेयरों के हस्तांतरण को मंजूरी दी है, जिसने सखालिन एक परियोजना को अपने कब्जे में ले लिया है। चीन ने भूमि सर्वेक्षण आपदा रोकथाम के लिए योगान 34 रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया। चीन ने मंगलवार सुबह उत्तर पश्चिम चीन के जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अंतरिक्ष में योगान 34 श्रृंखला का नया रिमोट सेंसिंग उपग्रह भेजा, जो शंघाई एकेडमी ऑफ स्पेस फ्लाइट टेक्नोलॉजी के 509वें अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित 100वें उपग्रह के प्रक्षेपण को चिन्हित करता है। इसका मुख्य रूप से भूमि संसाधन सर्वेक्षण और आपदा रोकथाम में उपयोग किया जाएगा।